सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और वो चीज ये है कि विस्टास जो आपकी सेकंड बुक है उसके अंदर वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको उन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में उनमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर विस्टास से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी में से जरूर आएगा। ये क्वेश्चंस बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। विद हेल्प ऑफ माई एक्सपीरियंस I have decided to tell you that which are those questions which are very important for you, और वो questions अगर आप prepare कर लेते हो तो आपको विस्टास में से और ज़्यादा कुछ prepare करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप इस बात को समझो कि आपकी जो विस्टास है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने marks carry करने वाली है। 6 marks का एक question तो fix है, समझ में आ गया, फ्लैमिंगो से एक, विस्टास से एक। फिर 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट आने वाले हैं उनमें से 4 फ्लैमिंगो से आ सकते हैं, 80% चांसेस यही है, और 3 विस्टास से आएंगे। तो 5 हमें करने हैं, 4 अगर मैंने फ्लैमिंगो के कर लिए तो एक ही विस्टास से बचा 2 मार्क्स का, 6 2 8, मतलब 72 मार्क्स में से 8 मार्क्स विस्टास कैरी करेगी, या 30 मार्क्स के लिटरेचर में से 8 मार्क्स विस्टास कैरी करेगी और 22 फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, विस्टास पे भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे, आप पे इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये साबित होगा। तो अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो आ सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, रिपीटेडली आए हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चंस। तो आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, टेक्स्चुअली देखना, जो समरी है वो आप देख सकते हो, इंटरनेट पे आपको समरी मिल जाएगी, या फिर आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो मैं आपको वीडियोस के लिंक सेंड कर दूंगा। जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस, उन जो क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एज अ पीडीएफ फाइल क्रिएट किए हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उनको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद उन क्वेश्चंस को स्टडी करो, देखो कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वीडियो उन क्वेश्चंस का भी आप पता लगाओ और उनके आंसर को लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, करनी ज्यादा करो, सोचो कम, सोचना इतना ज्यादा नहीं है। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो, बूस्टअप होते हो, मोटिवेट होते हो, लेकिन इतना ज्यादा करते नहीं हो, तो आपको करना जरूर है। और ये जो वीडियो है ये विस्टास के ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा फ्लैमिंगो की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाई है, और फ्लैमिंगो की जो वीडियो है वो आपको एंड स्क्रीन पे, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, और फ्लैमिंगो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पीडीएफ फाइल को, वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बोली हैं। तो आई होप गाइज वी आर डूइंग गुड फॉर यू एंड समहाउ वी आर हेल्पिंग यू, तो प्लीज हमारे को भी हेल्प करो, हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, हमारे चैनल को ग्रो करवाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू वर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन।